दोस्तों सब्सक्राइब करें आरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पर दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो। हाँ क्या बात कर रहा है? सच्ची सैलरी का इश्यू है क्या? लेकिन तुझे कैसे पता कि उस कंपनी में सैलरी में मतलब सैलरी का इश्यू है, सैलरी टाइम पे नहीं आती है? अच्छा तेरे दोस्त ने बताया क्या? अरे लेकिन मेरे भाई उसको ये नहीं पता कि ये कंपनी अभी लॉन्च होने वाली है, अभी लॉन्च हुई नहीं है, बंदे अभी तक आए नहीं मार्केट में और सैलरी का इश्यू कहाँ से आ गया? हाँ पूछना उसको जरा। हाँ भाई तो पूछना उसको यार कि अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुई है और तू बता रहा है कि सैलरी इश्यू है। ये तो गजब हो गया यार, अजब गजब कहानी हो गई यार। ऐसे कैसे क्या भाई, उसको जरा बोल अभी कंपनी लॉन्च होने वाली, कुछ भी फालतू का रूमर्स और ये अफवाह ना फैलाएं यार। उसको बोल जरा, समझा दे उसको यार, कौन जो भी है तेरा दोस्त उसको बता दे। हाँ हाँ जो उसको इन्फॉर्म कर दे कंपनी भी लॉन्च नहीं हुई है। देखा दोस्तों आप लोगों ने, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा होगा आप लोगों के साथ। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे, आप सभी का स्वागत करता हूँ आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग यही बात करने वाले हैं कि अफवाहों को सुनकर के, कहीं सुनी बातों को सुनकर के आप ले लेते हैं एक्शन और उस एक्शन का हो जाता है रिएक्शन। अरे मेरे भाइयों पहले कंफर्म तो करे कंपनी हुई कि नहीं, कंपनी पैदा हुई है कि नहीं हुई। अभी तक पता लगा कंपनी पैदा नहीं हुई और ढिंडोरा पहले ही पीटना शुरू कर दिया है कि लड़की हुई है, लड़का हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, चल क्या रहा है? किसकी बातों को सुन रहे हैं आप लोग, किसकी बातों को सुनते हैं आप लोग? मे बी वो कामचोर हो, मे बी वो फ्रॉड कर रहा हो, मे बी कुछ भी कर रहा हो, वो ऐसी अफवाहें पसर मतलब ऐसी अफवाहें फैला रहा हो, लेकिन फिर भी आप लोग उनकी बातों को सुनकर ले लेते हैं एक्शन और कहते हैं कि कंपनी में सैलरी नहीं आती है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता, फलाना ढमाका। ऐसे कैसे क्या? क्या आपने उसको ऑब्जर्व किया है? क्या आपने उसको देखा है? क्या आपने उसको समझा है? क्या किसी भी कंपनी के बारे में बेवजह बेफालतू के कोई भी रूमर्स या फिर अफवाहें ना फैलाए? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं खासकर उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो ऐसा तुच्छ काम करते हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी काम ना करें। क्यों दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और क्यों कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं? मे बी उन्होंने काम नहीं किया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ खुन्नस हो वुन्नस हो इसीलिए निकाल रहे हो, इसलिए बता रहे हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी अगर आपको मैसेज आता है, अगर आपको जानना है तो डायरेक्ट उस कंपनी के मैनेजर से बात करिए। हाँ अगर रियलिटी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंपनी अभी आई नहीं मार्केट में लेकिन शुरू हो जाता है गाना कि कंपनी में नहीं है सैलरी, कंपनी में सैलरी टाइम पे नहीं आती, इन सब चीजों के ऊपर हो जाता है गाना स्टार्ट और आप गाना सुनने लगते हैं, उस गाने को आप फ्लॉप कर देते हैं या फिर एकदम फेमस कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको उस कंपनी में इंटरेस्ट है तो आप जाइए ज्वाइन करिए, क्या पता उस कंपनी में सैलरी टाइम पे आती हो, क्या पता वो कंपनी बेस्ट हो, लेकिन आप इन सब कहीं सुनी बातों की वजह से उस कंपनी की अपॉर्चुनिटी को गवा बैठते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कंपनी में जो बंदा काम कर रहा होता है ना, उस बंदे के साथ अगर एबीएम का नहीं होता है, कुछ तालमेल नहीं जम रहा होता, या फिर वो बंदा फॉल्स रिपोर्टिंग में पकड़ाता है या फिर काम चोरी कर रहा होता, तो ऐसे बंदे को कंपनी निकाल देती है और निकालने के बाद वो बंदा यही फैलाता है कि सैलरी टाइम पे नहीं आती है, मत ज्वाइन करना भैया, ऐसे चीजें होती रहती हैं। लेकिन इनको आपको कितना सुनना है, कितना लेना है, ये आपके हाथ में, आपकी लाइफ है, आपको ग्रो करना है। हाँ मैं मानता हूं कि बहुत सारी ऐसे में से कुछ कंपनियां ऐसी जहां पे सैलरी के इश्यू हैं, जहां पे सैलरी टाइम पे नहीं आती है, बहुत मैक्सिमम अगर बात करूं मैं तो यहां पे लॉन्चिंग कंपनियां ऐसी हैं जहां पे सैलरी टाइम पे नहीं आती हैं, कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं, लेकिन ये नहीं कि हर फार्मा कंपनी में ऐसा ही होता होगा कि सैलरी नहीं आती है। मेरा आप सभी लोगों को कहने का मतलब यही है कि कहीं सुनी बातों पे एक्शन मत लीजिए वरना हो जाएगा उसका रिएक्शन। चीजों को समझिए, चीजों को देखिए, फिर एक्शन लीजिए। मैं मानता हूं कि किसी किसी कंपनियों में सैलरी का इश्यू चल रहा होगा, सैलरी नहीं आ रही होगी, कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, वो समझिए, वो देखिए, फालतू में किसी कंपनी को बदनाम मत करिए, मत करिए। तो दोस्तों लोगों की कही सुनी बातों पे मत आइए। हाँ आपको कोई दोस्त एकदम 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 क्लोज है और वो उस कंपनी में काम कर चुका है और उसने प्रॉब्लम फेस की और आपको पता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, मत जाइए ना फिर, आप मत जाइए। कौन बोल रहा है कि आप जाके जंप मार दें वहाँ पे, मत जाइए। लेकिन किसी 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 के दोस्त से सुनी हुई बातों पे आप इतना भी तुरंत विश्वास ना करें और तुरंत उसके ऊपर एक्शन ना लें। आए समय दोस्तों, तो मैं ये नहीं कहता कि सैलरी इश्यू किसी किसी कंपनी में नहीं होता होगा, होता होगा लेकिन इतना भी नहीं होता होगा, आप समझ लीजिए, देख लीजिए,
कुछ एकाधी कंपनी होंगी जहां पे इश्यू होता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी आती ही नहीं होगी, मे बी डिले हो जाती होगी, मे बी टाइम पे नहीं आती होगी, वॉट एवर। तो आप टर्म्स कंडीशन देख लीजिए, समझ लीजिए वहां पे उस कंपनी में एबीएम कितने सालों से काम कर रहा है, कितने बंदे हैं, क्या है, वो आप सारा सर्वे करने के बाद अब एक्शन लीजिएगा, लेकिन किसी भी कंपनी को बदनाम ना करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।